आज ब्लड प्रेशर आम है, ब्लड प्रेशर आम है, हर बंदा कहता है क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और क्या कर रहे हो, मैं दवाई खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ, दोपहर भी खाता हूँ, शाम भी खाता हूँ। क्यों खाता हूँ, अगर नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कभी सोचा ये क्यों है, ये ब्लड प्रेशर क्यों है? इसको साइंस के अकॉर्डिंग समझो, फिर इस्लाम पे आना। मेरे मोहतरम भाइयों, पकड़ा किसने है, दिमाग ने, दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। अब नीचे से दिल को खून ऊपर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। और जब वो जोर लगाएगा, और ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ज़मीन में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक कश्य शकल है जो हर चीज को किधर खींचती है, नीचे को। खून किधर खींचेगा, खून नीचे जाएगा। अब दिल बेचारा आपके दिमाग को खून पहुंचाने के लिए क्या करेगा, जोर लगाएगा। और बताओ ये जो जोर लगा रहा है, ये किसी कारामद चीज के लिए लगा रहा है, किसी फायदामंद चीज के लिए लगा रहा है, या बेकार काम के लिए? ये जो दिमाग ने पकड़ा हुआ है, इसका कोई फायदा होना है, कोई फायदा होना है? लेकिन सोचो, जिसने एक बात पकड़ी, जिसने दो पकड़ी, जिसने तीन पकड़ी, जिसने चार पकड़ी, जिसने दस पकड़ी, और जिसने सारी बातें ही पकड़ी हुई हैं, और कितने गिले शिकवे, मेरा पूरा खानदान ही मेरा दुश्मन है, मेरी बरादरी मेरी दुश्मन है, मेरे घर वाले मेरे दुश्मन है। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा सोचो, जो ये बातें कर रहा है वो किसका नुकसान कर रहा है? अब ये जो दिमाग ने काम करना था, दिमाग ने आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को चलाना था, जरा एक लम्हे के लिए सोचो, क्या आपका दिमाग आपकी बॉडी के सिस्टम को चलाएगा? क्या आपका दिमाग बॉडी के सिस्टम को प्रॉपर मैनेज कर सकेगा? क्या आपका ये जो ब्रेन है, ये ड्राइवर है, ये ऑपरेटर है, ये सस्टेनर है, इसने एक एक चीज को मैनेज करना है। लेकिन जब आपने उसको एक्स्ट्रा इतनी सारी चीजें पकड़ा दी जो कि अननेसेसरी हैं, अनवांटेड हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन सारी चीजों को क्या करना था, छोड़ना था, छोड़ना था। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो कि हमारे जिस्म की सारी दर्दें निकल जाएं, पट्टे रिलैक्स हो जाएं, मसल रिलैक्स हो जाएं, हड्डियां रिलैक्स हो जाएं, दिमाग, आज हर बंदा कहता नहीं यार पता नहीं सर में दर्द है, समझ नहीं आती, दवाई खाता हूं तो सर में दर्द ठीक होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने इतनी बातों को पकड़ा हुआ है, क्या उसके सर में सुकून आ सकता है, चैन आ सकता है, आराम आ सकता है, राहत आ सकती है? इस्लाम कहता है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हर बंदे की बात को छोड़ दो। ये क्यों छोड़ना था, ये छोड़ने को कहते हैं मुआफ करना, इसको कहते हैं अफू, इसको क्या कहते हैं, ये जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन, बेशक अल्लाह आप क्या है, माफ करने वाले। और ये सिफ्त किसकी है, ये मुआफ करना सिफ्त किसकी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुबहानो ताला की। और हमारा रब हमसे क्या चाहता है, तुम भी माफ कर दो, ताकि तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे। और जब हमने माफ किया ही नहीं, मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की, और आज यूरोप में बाकायदा फॉर गिवनेस थेरेपी इलाज बन गया। और वो छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहला सबक क्या सिखाते हैं, कभी किसी की बात को यहां पकड़ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पहला लफ्ज क्या बोलना है, सॉरी।